जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के बाद एक सवेरा होता है। मुसीबत देखकर डर जाते हैं लोग, लेकिन हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 22 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, विशेषकर रेलवे, SSC, बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, जो कि करंट अफेयर्स को वेटेज हेल्थ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा आता है दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखा करें। और बता दें कि हमारी कल की जो क्विज की विनर हैं वो है नेहा शाह जी। नेहा शाह जी ने बहुत ही यूनिक और डिटेल में लिखा था, तो आपको ऑनलाइन SD पॉइंट की तरफ से मिलता है रेलवे का एक स्पेशल नोट्स। तो आप हमें इस ईमेल ID पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है freeonlinesdpoint@gmail पर एक मेल कर दीजिए, तो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों यदि आपको भी रेलवे का स्पेशल नोट्स चाहिए तो हमारे करंट अफेयर्स क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मैं इस वीडियो में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, जिसका आंसर आपको काफ़ी डिटेल में और अच्छे से लिखना है। मैं रैंडमली सेलेक्ट करूंगा तो नेक्स्ट डे आपका जो नाम भी अनाउंस करूंगा। तो प्लीज़ इस क्विज में पार्टिसिपेट करें और आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और यदि आपको पार्टिसिपेट करना है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस देश ने मरीन लिजर्ड नामक दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है चीन ने, ठीक है, ऑप्शन बी। देखो दोस्तों, चीन जो है दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नाव का सफल परीक्षण किया है। उसका यूज़ क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि भूमि हमले के संचालन में किया जा सकता है और हवाई ड्रोन और अन्य ड्रोन जहाज़ों के साथ ये तिकड़ी बनाने में सक्षम है। इसका नाम क्या दिया गया है, मरीन लिजर्ड, ठीक है, याद रखेंगे। आपको बता दें कि मरीन लिजर्ड्स को उपग्रहों के माध्यम से दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और ये गुप्तता को बनाए रखने हेतु अधिकतम 50 समुद्री मील की गति तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे बात हो रही चाइना की, तो चाइना से रिलेटेड याद रखेंगे। कैपिटल पूछ लेता है, बीजिंग है कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है शंघाई। और बात करें अगर यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, तो वो है शी जिनपिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, ली केक्यांग है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ली केक्यांग और शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। बात करें यहाँ पे रूस की दोस्तों, तो रूस से रिलेटेड भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। आपको बता दें रूस जो है दोस्तों कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला देश था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है कि आर्टिफिशियल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, वो था रूस। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला किस देश की थी, रूस की थी। इनका क्या नाम था, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ठीक है, वेलेंटिना टेरेस्कोवा। देखिए क्वेश्चन बनेगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला किस देश की, रूस की थी। और क्षेत्रफल दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस ही है। और सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों कैस्पियन सागर, वो रूस में है, ठीक है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। रूस जो है मास्कोवा नदी के तट पर स्थित है और रूस के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। क्वेश्चन बनेगा विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ स्थित है, रूस में बैकाल झील, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें। दोस्तों आज की वीडियो का टारगेट लाइक है 6000 का, तो फटाफट वीडियो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, ठीक है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए। प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप पर ग्रुप है स्टडी से रिलेटेड और फेसबुक में, प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय खुदरा कंपनी कौन सी बन गई है? तो बन गई है रिलायंस रिटेल, ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, रिलायंस रिटेल वार्षिक राजस्व में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय रिटेल कंपनी बन गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बता दें लास्ट ईयर की तुलना में 89% अधिक है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। बात करें यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दोस्तों तो इसकी स्थापना कब हुई थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 8 मई 1973 में, ठीक है, याद रखेंगे आप। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी जी हैं चेयरमैन और MD, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी जी, ठीक है, धीरू भाई अंबानी जी फाउंडर थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। तो इतने आप फैक्ट रिलायंस से रिलेटेड याद रखेंगे। बात करें यहाँ पर दोस्तों अगर आदित्य बिरला कंपनी की, आदित्य बिरला भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसके चेयरमैन कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखिए ये आदित्य बिरला जो है कंपनी, ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, इसके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला और CEO हैं डॉक्टर संतृप्त मिश्रा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाली पहली भारतीय खुदरा कंपनी बन गई है रिलायंस रिटेल, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस
दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 19 अप्रैल को। देखिए दोस्तों, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो मानव शरीर में लीवर के महत्व और लीवर की बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता का और समझ का निर्माण करना। देखिए लीवर दोस्तों, जिसका लगभग वजन होता है 100 ग्राम और लंबाई 15 सेंटीमीटर, दूसरा सबसे बड़ा अंग है और हमारे शरीर के पाचन तंत्र का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। देखिए दोस्तों, जो दिवस रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कुछ दिवस रिलेटेड काफ़ी मॉडर्न क्वेश्चन बता देता हूँ। प्रत्येक वर्ष दोस्तों विश्व कैंसर दिवस का मनाया जाता है 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है 8 मार्च को। और अप्रैल की बात करें तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है 7 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल में क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया, तो किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, प्रतिवर्ष लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2019 में ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के नए फेलो की 2019 सूची में किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूसुफ हामिद, ऑप्शन बी। देखिए ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के नए फेलो की 2019 सूची में प्रमुख वैज्ञानिक और व्यवसायी यूसुफ हामिद को सम्मानित किया गया। वह फार्मास्यूटिकल प्रमुख सिप्ला के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो सिप्ला है उसके अध्यक्ष चेयरमैन है। और दोस्तों रॉयल सोसाइटी यूके की कॉमनवेल्थ की स्वतंत्र वैज्ञानिक अकादमी जो विज्ञान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यूसुफ हामिद। क्वेश्चन फिफ्थ है, 5 नवंबर 2020 को वार्षिक G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 शिखर सम्मेलन में 2020 में कौन सा देश जो है मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब जो है करेगा। ये जरूर पूछा जा सकता है आपसे आगामी एग्जाम्स में, G20 शिखर सम्मेलन के नेताओं की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। ठीक है, और आपको बता दें G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ यूरोपीय संघ से भी बना है। इसका गठन हुआ था 1999 में। आपको बता दें जापान के ओसाका में 2019 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2019 में कहाँ पे होगा? जापान में होगा, ओसाका में। देखिए दोस्तों 2018 में यह सम्मेलन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। 2018 का भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। 2019 का कहाँ पे होगा? जापान को ओसाका में। और अगला कहाँ पे होगा? सऊदी अरब में। ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष यात्री एक महिला के रूप में सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए उसको एक राष्ट्रीय वैमानिक जो है वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन अंतरिक्ष यात्री एक महिला द्वारा सबसे लंबे अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। और नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना मिशन 328 दिनों तक बढ़ाने जा रही हैं। ठीक है, क्रिस्टीना कोच। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का जो सवाल है हमारा, इसका आप आंसर देख के पा सकते हैं रेलवे के लिए स्पेशल नोट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप लोग देंगे। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? क्वेश्चन है हमारा, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, काफ़ी डिटेल में भी लिखें, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट सारे लिखें इस क्वेश्चन से रिलेटेड। कल मैं आपको रैंडमली सेलेक्ट करूँगा और कल की वीडियो में इसका जो है विनर का भी नाम अनाउंस करूँगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का आंसर, होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर था ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी करेक्ट था। ठीक है, अब देख लेते हैं आज का सवाल, जो डेली में सवाल पूछता हूँ, अप्रैल 2019 में रेलवे बोर्ड के सदस्य क्रू में किसने पदभार संभाला है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। वीडियो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। वीडियो का कैसा लगा हमें अपना फीडबैक जरूर दें दोस्तों, और हमें क्या सुधार करना चाहिए इस करंट अफेयर्स की वीडियो में, वो भी हमें अपना जो है फीडबैक बता सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।